औरत मर्द की अमीरी या गरीबी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, वो सिर्फ इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हम किसी इंसान पर करते हैं, अपनी जवानी के कीमती साल मोहब्बत के नाम पर दे देते हैं और बदले में क्या मिलता है? ना ख़त्म होने वाली उदासी, उम्र भर का रोग और पल पल लम्हे लम्हे का इंतज़ार। जब मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है और उसे पा नहीं सकता और वो किसी और निकाह में चली जाती है, तो यकीन मानिए हर रात वो सैकड़ों बार ये सोचकर मरता है कि उसकी मोहब्बत किसी और की दस्त दस्त में है, किसी और को हासिल है और उस पर उसका कोई हक नहीं। वफा का ताल्लुक किसी मर्द या औरत से नहीं है, फितरत, तरबियत और नीयत से है। बाज़ औक़ात हम लोगों के हाथों का मजाक उड़ाते हैं जिनको हम कमज़ोर लम्हों में अपनी ज़ात की सच्चाइयाँ देते हैं। अगर आपसे मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत नहीं पाई जाती, तो फिर उससे प्यार करो जो आपसे मोहब्बत करता है। चार वजूहात जिसकी वजह से मर्द औरत से नफरत करने लगता है और वो आपको छोड़ देता है। ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जब एक लड़का या एक मर्द किसी लड़की या औरत को फ़ोन करना, टेक्स्ट करना छोड़ देता है, लेकिन जो सबसे अहम चार वजूहात हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात अपने इख्तिताम को पहुंचने लगते हैं, माहिरीन के नज़दीक ये चार वजूहात 80% होते हैं। नंबर एक, आपको वो लड़की नहीं समझता जैसा कि उसने सोचा था। बहुत सी कदरें हैं जो मुकाबले के बाद नतीजा अखस करती हैं कि आप वो नहीं हैं जिसकी वो तलाश कर रहा है, इसीलिए वो एक तरफ होने का फ़ैसला करता है। अगर ऐसा है तो हालात को ज़बरदस्ती अपने जानिब मोड़ने की कोशिश ना करें, अपने आप को इल्ज़ाम ना दें और ना ही अपने आप को उसके आगे गिराएं। अगर आप उससे जुड़ी रहती हैं उसके बावजूद कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो अच्छे से जान लें कि आज नहीं तो कल आप उससे अलग हो ही जाएंगी। नंबर दो, मुमकिन है उसे आपके साथ रहना पसंद ना हो। आपकी कोशिश होती है कि उसके साथ वक्त गुजारें, डेट पर जाएं, लेकिन वो आपसे वादा करने के बावजूद आखिरी वक्त में मना कर देता है या बहाना बना देता है। इससे अंदाज़ा होता है कि वो आपको मज़ीद देखना नहीं चाहता। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि आप उसे फ़ोन ना करें। लेकिन फिर क्या करें? तो इसका जवाब ये है कि अपनी ज़िंदगी के साथ चलते रहें, क्योंकि ऐसे ताल्लुकात का कोई फ़ायदा नहीं है जहां दोनों में यूनिटी ना हो, क्योंकि दोनों में से अगर एक फरीक भी राज़ी ना हो तो तन्हा रहने को तरजीह दें। माहिरीन का कहना कि बहुत से लड़के इसलिए भी लड़कियों से दूर हो जाते हैं कि उन्हें अटैक पसंद नहीं होता। मुमकिन है कि जब आप दोनों साथ थे तो आपने उसे कुछ ऐसा बताया हो जो उसे पसंद ना आया हो, या मुमकिन है कि उसने उसका गलत मतलब ले लिया हो और फिर उसने उसी में बेहतरी महसूस की हो, आपसे दूर हो जाए। अगर ऐसा जैसे बताया जा रहा है तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि जब आप उससे मिली थी तो आप अपने आप से दूर और उसके पास हुई थी, इसकी कोई वजह थी, मतलब कि दोनों का रवैया कुछ मैच कर रहा था। अगर आपको ऐसा लगता है या अगर नहीं भी लगता तो भी आप उससे नरमी से पूछें और मामले को क्लियर करें ताकि एक बार फिर दोनों करीब हो सकें। नंबर तीन, मुमकिन है वो ताल्लुकात में संजीदा ना हो। ताल्लुकात में संजीदगी का ताल्लुक रूह से और एहसास से होता है। ताल्लुकात में जिनसी मिलाप को मोहब्बत नहीं कहते। अगर ताल्लुकात जिनसी मिलाप की तरफ जा रहे हैं तो क्या करें? तो मामले को क्लियर करें और कह दें कि आप रस्मी ताल्लुक नहीं चाहते, और ये बात कहने के मामले में सोचने का नहीं होता। आप अपनी बात में जितना आरामदेह और लचकदार होंगे उतना ही आपके हक में बेहतर है। ये ऐसी बात नहीं कि जिसके लिए आप परेशान हो जाएं।
कुछ लोग मोहब्बत को अपनी ज़िद बना लेते हैं और ज़िद से हासिल की हुई मोहब्बत कभी खुशी नहीं देती। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आपको कसूरवार ठहराएगा। अगर कोई मर्द आपकी कही हुई हर बात को बर्दाश्त करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देता है, बहुत अहमियत देता है।